सर बोले पहले आप लोग चालू करो चालू करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेसन एंड ऑल द बेस्ट टू जी आर के क्रिएशन सर को, बॉम्बे कॉकटेल बार को और सिंगर मोहम्मद सर को, और ये दुआ एल्बम के लिए इतने बड़े एक इवेंट और एल्बम का आज मैं हिस्सा हूँ, मुझे बहुत खुशी की बात है और बहुत दिन के बाद इतना बड़ा अच्छा माहौल वापस देखने को मिल रहा है। कुछ नहीं, इनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है हमको, आगे भी उनका मिलता रहे वही उनसे रिक्वेस्ट है। कोई पूछेगा कुछ? जी 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 क्या कुछ कहना चाहोगे गाने के बारे में? यार गाने के बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमने बहुत मेहनत से लिखा है, इन लोगों ने मेहनत से प्रोड्यूस किया है, इन्होंने डायरेक्ट किया है और कंपोजर ने अच्छा कंपोज किया है और सिंगर ने बहुत अच्छा गाया है, तो यकीन है कि लोगों को पसंद आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। लिरिक्स यार थोड़ा सा जो है वो पैथोस है और उसमें जो कहानी है जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, पैथोस है जो, और पैथोस जो है वो हमेशा चलता है और चूंकि उससे हर आदमी जुड़ा हुआ होता है कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में, तो वैसा ही गाना है तो लोगों को पसंद आएगा ऐसा लग रहा है। आप ऐड कीजिए पहले करण भैया से मैं इसी साल में कनेक्ट किया और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि इनके प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक कर पाऊँ और ऊपर वाले का करम था कि तुराज साहब जैसे लोग हमसे पहली मर्तबा में ही जुड़े जिन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, और मतलब अतिशोक्ति नहीं होगी कहने में अगर कहूँ कि इनके गाने मिसाल मिसाल की तरह हैं। और ये जो दुआएं हैं बहुत प्यारा गाना है, इट्स अ ब्यूटीफुल मेलोडी और बेशक लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। एक मिडिल क्लास कहानी है, एक मिडिल क्लास लड़का और लड़की की कहानी है कि जब लाइफ में आप किसी को खो देते हो, व्हेन यू लूज समबडी इन योर लाइफ, और वो इंसान जब सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान होता है तो एक कितना बड़ा लॉस वो लाइफ में देखता है। और करण भाई हैं, करण भाई ने जो प्रोजेक्शन शुरू से किया है, पहले दिन से किया है, उनका मानना यही है कि जो जो मज़ा 90s के म्यूज़िक में था, जो 2000 के म्यूज़िक में था, उसको एक रेवोल्यूशन की तरह हम लोग वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और राइजिंग इंडी म्यूज़िक इसी तरह के गाने, इसी तरह का संगीत आप सभी लोगों के बीच में लाता रहे। आगे बहुत प्यारी मेलोडीज आनी हैं, तुरा साहब के ही दो गाने तो है, तुरा साहब के दो गाने और हैं अभी जो अभी सूट्स पे है तो जल्द आ जाएंगे। और अच्छे इंडस्ट्री के लीड सिंगर्स ने गाने किए हैं, जावेद अली साहब का एक गाना है, सलमान अली का एक गाना है, तो आप सबका आशीर्वाद होगा, सभी का प्यार मिलेगा तो गाने इंशाल्लाह सुपर हिट होंगे, सुपर हिट होंगे। जी यार देखिए वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत पैशनेट काम करते हैं, तो उनके साथ काम करके मेरे काम में भी पैशन आया है। और फिलहाल हम इस गाने की बात करेंगे, उनके साथ तो गाने आप उनके देखते ही रहते हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो मैंने वहाँ सीखा उनसे और जो भी मेरे काम में कुछ जो है आगे बढ़ोतरी हुई है और वो अच्छा हुआ है, तो मैं वो बाकी लोगों के साथ भी कर सकूँ, इसलिए मैं करण जी के साथ काम कर रहा हूँ, इनके साथ काम कर रहा हूँ और इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है और बहुत कुछ सीखा है इन दिनों, और वो मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ें और लोगों तक आएँ। और आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि अच्छे म्यूज़िक को अप्रिशिएट करें, अच्छी चीज़ों को ज़्यादा अप्रिशिएट करें, सबको करें लेकिन अच्छी चीज़ों को ज़्यादा करें। जी यार देखिए कहीं भी किसी म्यूज़िक को अप्रिशिएशन मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है और आगे भी मिलता रहेगा। हमारे यहाँ म्यूज़िक कभी जो है वो ना ख़त्म हुआ है ना होगा, हमेशा हम लोग सब म्यूज़िक से जुड़े हुए लोग हैं और उनको मिला है तो बहुत खुशी की बात है, हम सब बहुत खुश हैं, पूरी इंडस्ट्री खुश है, मैं भी खुश हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुनिए
यस ब्रो थैंक यू या ब्रो फर्स्ट आई जस्ट वॉन्टेड टू कंग्रेचुलेशन टू ऑल द टीम्स एंड करण भाई एंड आशु भाई एंड यस ये जो लेबल है राइजिंग इसका पहला गाना भी मैंने किया था एंड इट्स नॉट कि गाना वी आर फैमिली एंड दूसरा गाना भी करेंगे जरूर तो बहुत यस ये अनाउंसमेंट है कि दूसरा गाना भी मैं जल्दी करूँगा या सो यस आई एम वेरी हैप्पी एंड इट्स लाइक अ फैमिली एंड ऑलवेज सपोर्ट मैं हूँ यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए sure, sure. yes. आपके साथ ही थैंक यू सो मच यस सो बेसिकली मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था दैट वॉज अ बैकग्राउंड डांसर से देन आई वॉज असिस्टिंग रेमो देन ABCD 1 ABCD 2 सो अभी ऐसा हो गया कि मार्केट इतना ओपन हो गया है तो एंड म्यूजिक इंडस्ट्री की वजह से सब लोग को काम मिल रहा है एंड म्यूजिक वीडियोज के वजह से इट्स नॉट कि आप सिर्फ डांस कर सकते हो या फिर कोरियोग्राफ कर सकता हूँ लाइक इन जनरल आई एम अ कोरियोग्राफर बट येस नाउ आई फीचर्स ऑल्सो इन वीडियो तो ये बहुत अच्छा बात हुआ है कि मार्केट इज ओपन एंड एवरी वन कैन डू एंड एक्सप्लोर ये देयर टैलेंट ऑल्सो एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग सी तो बेसिकली फर्स्ट आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड एज एन एक्टर सो मेरे को ऑब्वियसली कुछ डांसिंग फील्ड में या फिर कोरियोग्राफी में ही करना था तो बट आफ्टर ABCD एंड ABCD 2 आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि येस एक्टिंग में ऐसा होता है और ये फीलिंग्स है करके एंड अभी जो ऐसा है मुझे बहुत एक्साइटिंग फील होता है एंड और ऑब्वियसली जैसे कि आपको भी मालूम है यू आर ऑल्सो गाइज फ्रॉम मीडिया अपने को मीडिया के सिवा कुछ बाहर जाके कर नहीं सकते एंड यही जो है प्लेटफॉर्म एंड यही जो जगह है जहाँ पे मैं रहना चाहता हूँ दैट्स व्हाई आई एम चूज एज एन एक्टर एंड आई फील गुड कभी आपको लगता है कि गाना सुना जाए उसके बाद कोरियोग्राफी की जाए उसके ऊपर यस ऑफ कोर्स सर सी बिकॉज आजकल बहुत सारे म्यूजिक डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक हो रहा है एंड इट्स एन इंडी म्यूजिक एंड आई थिंक बहुत अच्छा सूदी म्यूजिक है एंड डेफिनेटली अगर मेरे को वापस चांस मिला तो मैं के वापस कोरियोग्राफ करना चाहूँगा या वी आर प्लानिंग फॉर अ शॉर्ट फिल्म ऑल्सो बट अभी रिसेंटली तो अभी गाने का ही प्रोजेक्ट चालू है अभी रिसेंटली और 3 songs बैक टू बैक आएंगे उसके बाद नए सॉन्ग्स करेंगे और एक शॉर्ट फिल्म का है लेकिन अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है जैसे ही फाइनलाइज होगा उसका भी अनाउंसमेंट कर लेंगे बहुत जल्द कंपनी तो अभी हमने चालू की है एक विजन के साथ कि एक अच्छा लेबल सेटअप करें नए लोग जो है नए बच्चे जो है उनको हम टैलेंट उनके बाहर ला सके तो वही उसमें हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि जो नई टैलेंट हम लोग बाहर ला सके जितनी हो सके राइजिंग इंडी म्यूजिक का जो प्रस्पेक्टिस रहेगा फ्यूचर में आफ्टर दीज 2 to 3 songs इज टू ब्रिंग द न्यू टैलेंट्स और हम उस चीज़ को लेके बहुत फोकस्ड हैं हम लोग मार्केट में नए थे वी स्टार्टेड रिसेंटली ऑन दिस गणेश चतुर्थी प्यार मिला है लोगों का और हम खुद अच्छे से इस बात को जानते हैं कि कितना टैलेंट है हिंदुस्तान में और वही प्रोजेक्शन रहेगा राइजिंग इंडी म्यूजिक का कि नए नए टैलेंट को सिर्फ मुंबई से नहीं सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि ऐसे पूरे इंडिया से पूरे इंडिया से निकाल सकते हम लोग बिल्कुल बिल्कुल अभी तोराज साहब खड़े थे अगर भंसाली जी की फिल्मों में से तोराज साहब का म्यूजिक हटा दिया जाए तो आप समझ सकते हैं मतलब म्यूजिक इज द सोल ऑफ एनी मूवी एनी फिल्म बिना आत्मा के शरीर की कल्पना आप कर ही नहीं सकते थैंक यू ब्रो बहुत बढ़िया हाँ हाँ बुला ले तुमने सही बोला था ये मेरे साथ सेकेंड टाइम हुआ है थैंक यू
फोटो क्लिक कर देते है ना यार। अरे यहाँ पे कर दो ना, यहाँ जगह तो बाकी सब शादी में आए हुए हैं। हाँ दो मिनट वाले थे वहां पे लिया फिर भी चलो बाहर कितना फोन ले चल आइए। हाँ ये सही है। अरे यार तुम सब अब तुम सब गुंडे हो गए हो यार, मालूम है। हाँ चल जीजो ले ले कर लो तुम थोड़े हमारा प्रमोशन है तुम चल। अरे सुधर जा एक नाम बनिया रहे। चलो पिक्चर कर लेना। हाँ मैडम